बिछी मार दीचे वो बिछी मार दीच वो दाई नहीं ये कोनो फुकई खावा दे भाटो मोला पान खावा देगा ताकुन ती वो रोवा ना लागे दाई दोस्तों आज न्यू 30 लाइव में हमारे सामने रूबरू होने के लिए आज छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक कलाकार बाल मुकुंद पटेल जी आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए जानते हैं, वे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोक गायकी कहाँ से प्रारंभ किए हैं और आज वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आज हम छत्तीसगढ़ वासियों को रूबरू करा रहे हैं। तो पहले आप बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? गरीबी के कारण मैं पढ़े नहीं पा रहे हूँ, 8वीं तक पढ़े हूँ और करीब 12-13 साल से मैं रामचरितमानस रामायण के गायन करत हूँ। रामायण गावत गावत कुछ और संगति शिक्षा पावत पावत संगीत में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ी के सेट निकाले रहे हूँ सबले पहली। आपको पहले कौन सा कैसेट है जो सिद्धि दिलाई है, तो आपका कौन सा गाना है? कजरीली नैना कुमारे बान कैसेट रतनपुर आरके कंपनी से निकले, जिसे जो छत्तीसगढ़ में नहीं बहुत दूर दराज बाहर भी में अपन स्थान रखे, जिसे ये कैसेट निकली तो मतलब कार्यक्रम करे के बहुत अवसर प्राप्त हुए। जिसे छत्तीसगढ़ ला छोड़ के नागपुर कलकत्ता और ऐसे बहुत देश देश तक में, मतलब देश के कोने कोने में जाकर आप अपनी कला की भी प्रदर्शन किए हैं। हाँ, बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम प्रस्तुत करे हैं, बहुत कार्यक्रम दिए हैं। वो ये कैसेट निकली तो एक बाद में रंगरेली भौजी निकली, वो सुपरहिट हुई रंगरेली भौजी, उमा के एक अच्छा गीत रही से वो गीत सुना सकते। रंगरेली भौजी रेंगत रेंगत गली में गावे गाना, रंगरेली भौजी रेंगत रेंगत गली में गावे गाना, भौजी बैठे मेहंदी रचा के भैया पकाओ है खाना, वो रंगरेली भौजी रेंगत रेंगत गली में गावे है गाना, रंगरेली भौजी रेंगत रेंगत गली में गावे है गाना। ये उनसे जानते हैं कि इन लोग कलाकारों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप अभी तक के अपने लोक गायन में किन किन दिक्कतों से गुजरे हैं? कलाकारी जीवन में अब तो बहुत सुविधा आ गए। पहली लाइफ रिकॉर्डिंग हुआ है, एक गाना कम से कम एक दो दिन तीन दिन में हम गाए सकन। अब का है, ट्रैक बंद थे, ट्रैक में 10 मिनट में गा ले जाके, और गरीबी के कारण हम कोई सरकार से सहयोग भी नहीं मिला है। एकर स्थिति हम दर दर में भटकत रहन, सरकार से अगर सहयोग मिलती तो आओ कलाकार मन आगे बढ़ती और आगे अपन प्रस्तुति प्रदान करती। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने गुरु किन को मानते हैं? गुरु मोर श्री जेठराम पटेल जी हर जिन हाँ रामचरित मानस शुरू मोला सिखाए रिसे, ओकर बाद में कुछ संगीत छत्तीसगढ़ी ऐसे कलाकार लक्ष्मण मस्तुरिया है, केदार यादव है, ये मन सब लसुन के महोत्सव में बड़े बड़े महोत्सव में कार्यक्रम मिली सरकार के योजना से, जैसे राजीव महोत्सव है, रतनपुर महोत्सव है, मल्हार महोत्सव है, जांजगीर महोत्सव है, बिलासा लोक कला मंच महोत्सव है, बहुत दूर दूर तक महोत्सव में सरकारी कार्यक्रम में मैं अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करे हूँ, और यही में सब कलाकार से पहचान हुआ गीच और सबके सुन के और कुछ गाना लिख के मैं आगे बढ़त गया हूँ छत्तीसगढ़ में, मोर नाम आगे बढ़त गीच। ने वाले कहाँ के? मैं ग्राम मनवा के रहिया हूँ, विकास खंड मस्तूरी पढ़ते, जिला बिलासपुर पढ़ते, मोर छोटे से गाँव शिवनाथ नदी के किनारे में हवा है, और हमन तीन भाई हैं, माता पिता तो गुजर चुके हैं और बहुत सुंदर जीवन यापन करत हन। कभी कभी ऐसा होता है जो जैसे आप लोक गायन करो या कला के क्षेत्र में जुड़ो तो होता क्या है, घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आप सबके फैमिली से मतलब परिवार से आपको सपोर्ट मिला? हाँ, मोर परिवार में कोई ऐसे कलाकार नहीं है, बाकी मोर पहले से लगन कलाकारी में रही से,
मैं 12-13 साल की उम्र ले ही रामचरितमानस गायन शुरू कर दे रहे हैं। एकर सेती मोला घर से भी सपोर्ट मिली, मोला कोई रोक टोक नहीं दिसे और जहाँ भी जावा बहुत मैं नाम कमा के आवाऊँ। एकर सेती मोला घर के मन कोई मना नहीं करी, जो सपोर्ट मिली घर से। अच्छा, आप पंडवानी के लिए भी जाने जाते हैं? हाँ, पंडवानी मोर मेन गायकी है। महाभारत कथा हर गांव में प्रस्तुति करता हूँ, एकर संगे संग भरथरी गाथा भी प्रस्तुति करता हूँ, श्रवण गाथा भी प्रस्तुति करता हूँ, राजा नल दमयंती कथा भी प्रस्तुति करता हूँ। यही मोर मेन गायकी है। छत्तीसगढ़ कैसे गांव नहीं बचे हो ही जहाँ मैं प्रोग्राम नहीं करे हो। हाँ, बहुत से गांव में पंडवानी लोकगीत मल्ला प्रस्तुत करे हैं। महाभारत ऐसे गाया नहीं हुआ जिल गाय में आत्मा शांति मिलते। बहुत सुंदर गीत पंडवानी के। इमें विशेष करके ध्यान 3 क्षेत्र में रखे पड़ते, कामा कामा सिंगार माँ वीर रसमा और करुण रसमा जी। जैसे करुण रस गाना है, कोई दुख भरे कथा कहना है तो उमा बहुत सुंदर तर्ज बने हैं। ये तर्ज सुनावा था। माता कुंती वो रोवा ना लागे दाई, माता कुंती वो रोवा ना लागे भाई, कह कर रहा हूँ बेटा मैं कह कर रहा हूँ खीरा, माता कुंती वो रोवा ना लागे भाई। एक करुण रस के। सिंगार का भी सुन। सिंगार रस में रथे वाले रथे माँ भाई थाना लागे भाई, रथे घोड़ा वाले घोड़ा माँ सवार हो भाई, पैदल भी रगा में चलाना लागे भाई, पैदल भी रगा ये चलाना लागे भाई, पैदल भी रगा ये चलाना लागे भाई। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि पंडवानी गायन का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि पंडवानी के क्षेत्र में आपको नाम कमाना है या इस क्षेत्र में हमको जाना है करके? कहीं से ना कहीं ना आपको कोई ना कोई किसी को देखकर सुनकर कहीं ना कहीं से आपको कोई भी प्रेरणा मिली होगी? पंडवानी झाड़ूराम दिवांगन जी की आवाज़ आकाशवाणी से, मोरो भी आकाशवाणी आते कार्यक्रम ये मतलब सुना। और एक पुराना गायक रही से पंडवानी के, ऊकर कथा में सुन सुन के और गावत गए। गांव में पहले एक कथा मला प्रस्तुति करे, तेकर बाद में प्रस्तुति देख के दूर दराज के मन गांव तीर के मन सब मोला कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करत गीच और हर गांव में कार्यक्रम प्रस्तुत करत हूँ। हमारे बीच में पटेल जी लगातार निरंतर 62 वर्षों से गायकी के क्षेत्र में हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी जीवन काल में गायन के क्षेत्र में अभी तक की उनकी उपलब्धि क्या है। छत्तीसगढ़ ही लोक कला मंच के द्वारा मोला छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित करे गेरी से सरकार द्वारा। एकर बाद में बिलासा लोक कला मंच, बिलासा में भी मोला सम्मानित मिले है बिलासा से। ऐसे छोटे छोटे बहुत अकन मोला सम्मानित प्राप्त हो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार के योजना द्वारा आओ आगे कुछ मिल ही, ऐसे मैं आस लगाए देखा था। जरूर मैं आशा करा था कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार जरूर कुछ न कुछ उपलब्धि करवाई। आपकी आज के जो कलाकार होते हैं उन लोगों का जो गाना होता है भड़काऊ होता है, और पहले का जो होता है तो कर्णप्रिय होता था, मधुर होता था, तो इसमें आपको मतलब कुछ अटपटा टाइप का लगता है? पहले का है छत्तीसगढ़ ही इतना लोकप्रिय गीत है। अभी के जत का भी भविष्य में कलाकार हवाए नवा नवा कलाकार सीखे है, ये मन छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीत छोड़ के ज़्यादा करके उड़िया गीत गाय के प्रस्तुत करते हैं। मन उड़िया गीत है, लग्गी है, ये बाहर के गीत है, ये मतलब प्रस्तुत करने के प्रयास करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखा मन इतना सुंदर सुंदर गीत बना के इतना सुंदर तर्ज बना के छोड़े है,
बिहाव गीत है, जवारा गीत है, पंथी गीत है, बांस गीत है, इमा के निकाल के गाय माँ ये गीत ल बनाए में अच्छा सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत बनते। तो अभी के कलाकार मन फिल्मी दुनिया से लेवा थे, कहाँ नागपुरी से जो गीत वाला प्रस्तुत करा थे। तो मैं अभी जतेक नवा नवा कलाकार है, मैं वो कहना चाहता हूँ कि अपन लोकप्रिय गीत है हमार जो पुरखा बनाए छत्तीसगढ़ के, बहुत सुंदर सुंदर गीत है, उमल निकाल के गावा तो बहुत प्रसिद्धि मिली और छत्तीसगढ़ के जो धरोहर गीत है वो हमार छत्तीसगढ़ में धरोहर रूप में रही। अभी आप सुने हो श्री बाल मुकुंद पटेल जी का कि वो छत्तीसगढ़ी पीढ़ा जो अभी के जो लोग कलाकार रहते हैं, नया जो तैयार हो रहे हैं, उन लोग कुछ उड़िया का लेते हैं, कुछ नागपुर का लेते हैं, टोटल उन लोग मिक्स टाइप का प्रस्तुत करते हैं। उस क्षेत्र में उनकी जो पीड़ा है वो न्यूज़ 39 के माध्यम से वो हम लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनके लिए हम हृदय से उनको आभारी हैं कि न्यूज़ 39 को अपना कीमती समय दिया।